एक गांव में मौजूद है कुछ युवा, उनसे बात करते हैं कि कन्नौज का माहौल क्या है। चुनाव आ रहा है भैया, 13 मई को कन्नौज में भी वोट डाले जाएंगे, युवाओं के लिए कुछ सरकार ने किया, क्या माहौल है कन्नौज? मोदी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ काम किया नहीं मोदी सरकार, कुछ रोजगार घूम रहे, जो पेपर देता है लीक हो जाते हैं। पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? पेपर लीक हो रहे हैं, हाँ क्यों हो जाते हैं? ये युवा पढ़े लिखे हैं, इनके लिए भविष्य में कुछ सोचा है बीजेपी ने? तो फिर किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? मेरे हिसाब से तो राहुल को जरूरी, ज़्यादा बढ़िया है, पढ़ा लिखा है अपने हिसाब से, तो उसी को ज़्यादा राहुल गांधी बना देना, राहुल गांधी को, वो बढ़िया पढ़ा लिखा है। चुनाव का, चुनाव का तो ज़्यादातर तो सपा को वोट जाएंगे, वो गठबंधन सरकार है, इंडिया गठबंधन, इंडिया तो उसी को वोट देंगे, तो लड़ेंगे, जीत जाएंगे, हाँ जीत जाएंगे। यहाँ पाटा जी का मौल कैसा, उनका काम है तो बिल्कुल, वो तो पाठा जी तो घर से निकलते नहीं अपने, वो तो बिल्कुल बेकार है, पाटा जी का कोई काम नहीं दिखता, कोई काम नहीं। कन्नौज में इन्होंने एक काम किया पाठा जी ने, तो भविष्य में किसी को पता चले, पाठा जी ने अभी 10 साल हो गए, 10 साल से वो सांसद हैं, कभी एक बार नजर किसी को, 10 साल से सांसद हैं, 2019 में पहली बार जीते थे, हाँ 19 में जीते थे, उसके बाद में जो अभी जीते हैं, अभी जीते नहीं तो चुनाव होगा, हाँ तो उसमें कुछ इनने 5 साल में कुछ किया है, काम नहीं किया, हाँ एक बार यहाँ तक कहीं भी नजर नहीं आए, फोटो में नहीं आया, कहीं पे भी नहीं आया, तो लड़ेंगे जीत जाएंगे, हाँ अखिलेश यादव तो यहाँ सीट क्लियर है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनाएंगे, हाँ प्रधानमंत्री राहुल गांधी, युवा बढ़िया एकदम। दादा कौन सा गाँव है आप? ये नौज में, ये ईटखारी गाँव है, क्या माहौल है आपके गांव का चुनाव का? 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें हम लोग सभी पार्टी के लोग खड़े हैं यहाँ पे, फिलहाल हमें ये लग रहा है कि जिस पार्टी से हमें लाभ होगा उस पार्टी का हम देखेंगे, फिलहाल उम्मीद है कि हमें लाभ तो इस समय ज़्यादातर हमारी बीजेपी पार्टी से हुआ है। मोदी जी का काम अच्छा लगा? हाँ हमको अच्छा लगा है। मोदी जी के और सुब्रत पाठक के जो वर्तमान सांसद, नहीं सुब्रत पाठक जी तो हैं तो, लेकिन उनका थोड़ा बयान, थोड़ा हम लोग इस समय, मैं बिरादरी से बर्मा हूँ, लेकिन उनका थोड़ा बयान हमको गला लग गया था, लेकिन फिर भी वो अगर समाज से, हाँ लोधी समाज से हम, अगर वो हमारे लोधी समाज से हम लोगों को अगर माफ़ी मांगेंगे तो हम लोग उन पर सपोर्ट करेंगे, वरना हम लोग नहीं करेंगे। माफ़ी की तो बात है, उन्होंने एक दो बार मांगी भी है, अब चर्चा है अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, अगर वो नहीं लड़ते तो उनकी उपस्थिति रेखा वर्मा चुनाव लड़ेंगी, अगर रेखा वर्मा चुनाव लड़ती तो लोधी समाज का वोट किधर जाएगा, क्या माहौल होगा? मेरी बात सुनिए, अगर रेखा वर्मा भी आती हैं तो रेखा वर्मा हमारे लिए बहुत बढ़िया है सिस्टम, रेखा वर्मा हो, उम्मीद है ये बात की कि रेखा वर्मा जीतेंगी, उम्मीद से चुनाव हार जाएंगे, हाँ हार जाएंगे। आपको क्या लगता है जी, अगर निवेदन करके, अगर लोधियों से अगर ये निवेदन नहीं करेंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उम्मीद है रेखा वर्मा जीतेंगी और पाठक जी हार जाएंगे। अखिलेश जी ने कुछ काम किया कन्नौज में? अखिलेश जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया है, इसके लिए तो हम कहेंगे लोधी समाज से जरूर हैं, लेकिन अखिलेश जी ने बहुत काम किया है कन्नौज जिले के लिए, मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने ही जो किया है वो कोई भी पार्टी नहीं किया है। अखिलेश जी ने किया, अगर रेखा वर्मा टिकट दे दें तो कन्नौज से समाजवादी पार्टी निकल जाए 100%, ये मेरी गारंटी है। अखिलेश यादव लड़े तब मामला फंसेगा? अब तो मामला फंस जाएगा, अखिलेश यादव मामला फंस, हाँ ये फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये भी हम बता रहे आपको। नहीं अगर अखिलेश जी अगर लड़ेंगे, नहीं बात सुनो, अगर अगर अखिलेश जी लड़ेंगे तो मामला फंस सकता है, अगर उसमें अगर रेखा वर्मा को अगर टिकट मिल रही है तो कोई मामला नहीं, निर्विरोध हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। आप बताइए दादा, हमें काम तो अच्छा लगा और भगवान से मैं विनती करता हूँ कि हर समय हमारी सरकार अखिलेश जी की बनना चाहिए। काम किया करना, हाँ बिल्कुल किया, फुल काम किया, हमको हमारे मान सम्मान इज्जत दिया है, कन्नौज जिले में जी ने किया है तो अखिलेश जी ने, मोदी जी ने भी हमें मान सम्मान इज्जत दिया है, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता हूँ, काम अखिलेश जी ने ज्यादा किया, बिल्कुल यू आर राइट। और आपका ये पाठक जी हैं जो सांसद हैं, इनका काम कैसा लगा? काम तो दुनिया करता है इंसान, कोई आदमी सब्जी में नमक कम डालता है, कोई ज्यादा डालता है सर, सिस्टम है थोड़ा। अब बताइए चुनाव है, एक तरफ अखिलेश यादव लड़ते हैं, एक तरफ सुब्रत पाठक लगते हैं, कन्नौज का क्या माहौल? कुल मिला के हमें सिर्फ अखिलेश जी का चाहिए माहौल, जितना चाहिए हुआ चाहिए, और सुब्रत पाठक जो है इसके बिजनेस हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, इनको जिताना चाहिए बस। देखिए पाठक जी को मतलब हराने जाएंगे आप लोग अब की बार चुनाव में, ये कहना चाहते हैं? इसमें कोई दूसरा खड़ा होना चाहिए, समाजवादी पार्टी को आएगा वो जीत जाएगा, हाँ समाजवादी पार्टी में आएगा, आएगा उसको मैं वोट दूंगा। आप बताइए दादा, हम तो भाई बसपा कार्यकर्ता है, बसपा कार्यकर्ता बहन जी, हाँ बहन जी के, हाँ बहन जी तो चुनाव में है, अकील अहमद पट्टा को चुनाव प्रत्याशी है, उनका क्या माहौल चल रहा है बसपा? हम माहौल मान लो उनके मामलन इलाका में चल रहा है और साथ में तो नहीं, तो
अच्छा, हमारी कहीं गिनती नहीं हुई। काम किया मोदी जी ने कुछ किया? मोदी जी ने काम तो करे हैं, लेकिन सांसद जी ऐसे है उनसे जाओ सुनते नहीं। सांसद जी का काम नहीं दिखता है? हाँ, सांसद जी का नहीं दिख रहा। अखिलेश जी का बढ़िया काम है। अखिलेश जी चुनाव, अखिलेश जी चुनाव लड़ते तब क्या मालूम? तो बढ़िया माहौल रहे, जीत जाएंगे। चर्चा भाई साहब से लेखा वर्मा आई जाए कन्नौज में कोली टक्कर हुई, कोली टक्कर नहीं जीत ना। हाँ, त्रिकोणी टक्कर रही। रेखा वर्मा आ रही है तो 100% रेखा वर्मा जीतेंगे। ये 100% जीत जाएंगे। हाँ, पक्का 100% पाठक जी हार जाएंगे। हाँ, पाठक जी हार जाएंगे। अच्छा, 80 समुदाय का वोट भी चला जाएगा समाज? हाँ, उसमें जाएगा दलित वोट। हाँ, दलित भी। हाँ, खपा।